गुस्ताखी तो हो गई है और कष्ट भी है। अभी कुछ दिन पहले यही भाजपा के लोगों ने शिवलिंग का बड़ा अपमान करवाया था, अब नबी के सामने गुस्ताखी है। थोड़ा नबी के बारे में जानकारी दे दूं मैं, आश्चर्य होगा इस भाजपा को कि आपको चिंता है। चिंता है मेरे आंख, बस रोया नहीं हूँ, बस सब कुछ ये जान लीजिए, आंख से आंसू जो है दब गए हैं, पर दुख बहुत है। दुख क्यों? मैं ये जानना चाहूँ, एक महंत भी तकलीफ में। मैं आपको बता दूं, मैंने नबी को पढ़ा है, अल्लाह ने उनको महबूब कहा है। उनका दिल इतना साफ था कि एक बूढ़ी दादी जो है कूड़ा फेंकती थी और डेली उन पर कूड़ा फेंकती थी, एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंकी। हमारे नबी ने उनका हालचाल इनके घर गए थे, उन्होंने कहा है कि अगर पड़ोसी भूखा है, वहां उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं बताया है कुरान में, कहीं भी देख लीजिए नहीं है, कोई भी भूखा है तो आप खाना नहीं खा सकते। एक बार वो मक्का मदीना इस्लाम फैलाने गए, लोगों ने विरोध किया, पत्थर मारे, जूते तक में उनके खून, उनकी जूती जो थी उनपे भी खून आ गया था, भर गया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहन्नम की आग लेके उतरे थे, बोले थे मेरे प्यारे नबी है, मेरे प्यारे महबूब। वो इसलिए बोले थे कि अल्लाह उनको प्यारे नबी और महबूब करते थे, इस्लाम के लास्ट पैगंबर माने जाते हैं, उन्हीं की उम्मत जो है अल्लाह की बारगाह में जाएगी, सुनवाई होगी। 273 फिरके हैं इस्लाम में, उन्हीं की उम्मत जाएगी, वही बख्शाइश कराएंगे। अल्लाह ही जानता है मोहम्मद का मर्तबा, लेकिन ये सिर किसलिए हो जाता है कि उस साहब लगाना जरूरी है, मोहम्मद साहब का मर्तबा। वो कोई एक सिंगल नाम भी उनका कोई नहीं लेता है तो दुख हो जाता है। इसी तरह हमारे अभी महाकाल का बड़ा अपमान हुआ, कोई पत्थर पे शिवलिंग बनाया, कष्ट होता है। मैं एक संत हूँ, राम और रहीम, किसी में भी कोई बदतमीजी करेगा हम आंख निकालने का काम करेंगे, हम संत हैं। अब आया है खून खोला है, अब लड़ाई करनी चाहिए धर्म के लिए। आज क्यों बीजेपी वालों ने बोला तो आज धर्म की लड़ाई नहीं होगी? आज भी तो आएगी ना धर्म, क्या कष्ट नहीं हो रहा है? ईरान ने कहा तो मान लिया, अरबी समझ में आ गई, हम भी तो इतने दिन चिल्ला रहे थे कि फ्रिज एलिमेंटाइन को निकालो। मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, बयान है नरेंद्र मोदी का स्वाति प्रज्ञा के लिए। नबी को जानते हैं ये? नबी के बारे में और सुनिए, वो एक दिन गुजर रहे थे, शराब कोई बहुत इस्लाम में बहुत पुराने से हराम नहीं थी, शराब यहाँ हराम की गई, उनके उम्मत में हराम की गई, उनके सामने हराम की गई, उन्होंने हराम की। उन्हें मुसलमानों को हिदायत दी कि हर वो नशा हराम है जो इस्लाम में तुम्हारा पैर डगमगा दे, उन्होंने नशा भी हराम कराया था। क्या उनकी ये बातें नहीं सिर में छूती है? अच्छाई कहीं भी हो बट उन्नत वैसंत का काम है, हम तो फकीर हैं, 12 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले फकीर नहीं है, एक नंगे दुलंगे फकीर है। लोग कहते हैं पंडित जी हाफ पैंट क्यों पहनते हो, नीचे ऊपर भगवान नीचे हाफ पैंट, अब बताओ हम क्या पहने? भाई नीचे पहनने कपड़ा तो यहाँ टांगना पड़ता है, तो किताबें छिपानी पड़ती है, भाई है ही नहीं कपड़े, पहने कहाँ से? महंगाई इतनी ज्यादा है, जो कपड़ा हमें 100-200 मिलता था, अब 450-500 मिलता है, हम कहाँ से खरीदे? आप बताइए, नबी के शान में गुस्ताखी, ये तो मैं अपना दुख बता रहा था, नबी के शान में जो गुस्ताखी हुई है उसमें दिल हो गया है। ये बात इंटरनल तब तक थी ना जब तक हिंदू और मुसलमान की बात थी, जब बात नबी और इस्लाम पे आएगी ना तो जितने उनको मानने वाले हैं वो सारी कंट्रियां बोलेंगी, आपको जवाब देना पड़ेगा। ईरान का जवाब आ चुका है, आश्वासन दिया है भारत ने कि ऐसी कार्रवाई करेंगी दुनिया सबक लेगी। इकलाक पहलू खा की माँ को क्या जवाब देंगे? नजीब की माँ को क्या जवाब देंगे? उस जिसका हाथ कटा था उसके मकान की क्या जिम्मेदारी देंगे? क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कानपुर में सरकार से आप काफी आक्रोशित हैं, आपके सवाल पे आते हैं, आप ये बताइए, आप सरकार से ठीक है आक्रोश में, लेकिन विदेश मंत्रालय का एक बयान ये आया, उन्होंने कहा कि ये जो बयान नकुल शर्मा ने दिया ये किसी सरकार का बयान नहीं, इंडिविजुअल है। मैं बता दूं, भाजपा की प्रवक्ता है, भारत माफी नहीं मांगेगा। जेपी नड्डा इस्तीफे के साथ एक पत्र लिखे देश के प्रधानमंत्री को, बहुत बड़ा इशू है, मुसलमानी इशू है, इस्लामिक इशू है, उसके बाद वो पत्र एक्सेप्ट करे और जाके विदेश मंत्रालय द्वारा अजय डोभाल के द्वारा वहां पहुंचाए कि इस पार्टी ने माफी मांगी कि आगे से ऐसे प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ कुछ हम नहीं बोलेंगे। और कोई भी, और जितने लोगों का नाम आया है इनको कभी ना टिकट दिया जाए ना पद दिया जाए और इनको जेल में डाला जाए। कर सकेगी भाजपा सरकार बुलडोजर चल सकेगा? 38 नेताओं की लिस्ट में नाम आ गई तो कार्रवाई करना, बीजेपी जेल गए। देखो एक चीज बता दे, तुम जो माइक लगा के आते हो इतना अच्छा, तुमको हमने नबी के बारे में बताया फिर भी तुमको लगता है ये किसी को नहीं मानते। इलाहाबाद के सारे टेंडर मुसलमानों के नाम पे हैं, सारे मुसलमान लोग बाहर जाके चेक करवा लो। आप हमें समझ में नहीं आ रहा, आप एक महंत हैं, नरसिंहानंद भी एक महंत है, वो तो नकुल शर्मा के खुलेआम सपोर्ट में आ गए हैं क्योंकि हम हैं पूरे साथ। देखिए दलालों की बात मत किया करिए, अभी पैसे के मामले फंसा है बेसर, उसको तो हम बेसर में कहते हैं। जो इस्लाम से किसी व्यक्ति को पैसे का लालच देकर हिंदू धर्म में शामिल करवाता है, हजारों करोड़ का घोटाला करता है और उसके बाद उसी के लोग उसको चोर डकैत कहते हैं। एक सिस्टर है संत है, उन्होंने कहा कि मैं मीडिया मैनेज की गई थी। लगाओ जांच कौन सी मीडिया मैनेज की गई थी, मतलब मीडिया मैनेज होती है ये उनके संत ने बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नबी के खिलाफ एक भी शब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हम ऐसे सर भी अपना गर्दन कटवा देंगे, अगर हम शिव के लिए कटवाएंगे तो हम नबी के लिए भी कटवाने को तैयार। नबी के इतना ये कैसे आप कह रहे हैं? अरे भाई मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ, मेरे पास कुरान है, अब कुरान में नबी का बढ़िया जिक्र है। अल्लाह ने बताया है मूसा अलैहि सलाम यहूदियों के पैगंबर, ईसा अलैहि सलाम ईसाइयों के पैगंबर, हजरत मोहम्मद साहब इस उम्मत के लिए। सब हमें पता है, हम पागल हो रहे नहीं है, हम इस्लाम को पूरी तरह से स्टडी करे हुए हैं। और मैं मुसलमानों को बता दूं, मैं देखता हूं वीडियो दिखा दूं, जरूरी है ना, तो ये कहा जाता है कि पंडित जी पक्ष इस्लाम को आपने पढ़ा है, तो लोग कहते हैं कि तलवार के बुनियाद पर इस्लाम जो वो फैला है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि कुछ मुसलमान बच्चे जो है पत्थरबाजी करने लगे हैं, इलाहाबाद अडाले की फोटो है, मैं सरकार से इनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ और सख्त कार्रवाई करी जाए इनके ऊपर। ये जिस तरह से ये माहौल बिगाड़ने की बारिश कर रहे हैं, और मैं इन युवाओं से भी, इलाहाबाद के लोगों से भी, प्रयागराज के लोगों से भी, सॉरी इलाहाबाद नाम आ गया, क्षमा चाहते हैं, प्रयागराज के क्षेत्राधिकारी, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ मुसलमान भाइयों से कि कोई भी ऐसी घटना ना करे जो असंवैधानिक हो, ये बाल योगी आपके खिलाफ भी जाएगा, गिरफ्तारी हो ऐसे लोगों की, और जिन पार्टी संगठनों का हाथ हो, जिन नेताओं का हाथ हो, उनकी भी गिरफ्तारी हो। मैं मांग करता हूँ योगी सरकार से कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, चाहे वो 18 साल का हो या 16 साल का हो। लेकिन अगर कोई बच्चा बहका हुआ है, हिंदू हो चाहे मुसलमान सिख ईसाई, कोई बच्चे को बहकाया गया है तो उसको एक दंड देकर छोड़ दिया जाए, और जो इसको बहकाते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हुए यूपी को शांत कराया जाए। ये बहुत बुरी बात है कि मस्जिद से निकलते ही पथराव चालू हुआ, अब बच्चे पथराव कर रहे हैं पुलिस पर, ये साफ दिख रहा है, ये गलत बात है, इसका हम विरोध करते हैं। अब आप मत कहिएगा कि हम मुसलमानों का विरोध नहीं करते, हम बराबर विरोध करते हैं हर चीज का। हर वो व्यक्ति दोषी है जो नबी के शान में गुस्ताखी करे, महाकाल के शान में गुस्ताखी करे। अरे आगे नबी के शान में, भाई नबी की शान में, भाई कहेंगे कि ये संत नबी की शान में कसीदे पढ़ रहा है। महाकाल के बारे में भी हम बता रहे हैं ना, महाकाल के भक्त भी है कि महाकाल को भी अभी सड़कों में किस तरह से अपमानित किया गया, नबी के बारे में बोला जा रहा है। हदीस की एक लाइन बोली है उन्होंने, हदीस की जो हदीस में जो लिखा है उसको पूरा पढ़ती तो तब वो समझ जाती है कि 6 साल और 9 साल में अंतर क्या होता है, कौन सा सिस्टम हमारे यहाँ भी चलता है, एक्सेप्ट करना। हमारे अभी अब शादी होती तो गौरव दे दिया जाता पहले गाँव में, तो 2-4 साल बाद ठीक है, नबी के शान में आपके अनुसार गुस्ताखी हो गई है और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वो गई है? हाँ। हुई है, मतलब आप क्या फूट फूट कर रोएंगे तब मानोगे क्या कि गुस्ताखी हुई है? नहीं मान सकते रहे हो क्या कि गुस्ताखी? आंसू तो आ गया। मैं क्या कर रहा हूँ, आप अपने भी नहीं समझ, मेरा गुस्ताखी बहुत जी है, इनके आंख में आंसू भी आ चुके हैं, ये कह रहे हैं कि नबी के शान में यहाँ पे गुस्ताखी हुई है बहुत ज्यादा, और मुसलमान भी नाराज है। हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं लेकिन उनकी गलत हिंसा का विरोध करते हैं। हम मुसलमान युवाओं से अनुरोध करते हैं शांति बनाए रखो, हिंदुओं से उम्मीद करते हैं शांति बनाए रखो। आंसू क्यों आ गए? गलत हो रहा है। देखिए जिस तरह से अल्लाह को, नबी को, पैगंबर को, भगवान को, महाकाल को, राम को सड़कों पर लाके राजनीति खेली जा रही है, हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हमारे देश की युवा कहाँ जा रहा है, ये हमें नहीं पता। वो पत्थर जो भी मार रहे हो, जिसको भी लग रहा हो, कष्ट हमें भी है, शर्म आता है इन सरकारों पर, इस देश की प्रधानमंत्री पर, इस देश की गृह मंत्री पर, कि वो एक गुणगांव में बयान देते हैं, उसका हाथ सिला ये निकल गया, क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे? इकबाल योगी हाथ जोड़ के मांग करता है कि वो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि आपने ही बयान दिया था। अब आज हमारे जितने भी युवा मरे कटे जेल जाए, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की होगी, क्योंकि गृह मंत्री ने बयान दिया था कि गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं पढ़ने जाएंगे, और जिसका खामियाजा आज नबी की शान पे गुस्ताखी हो गई, जिसमें सभी कंट्रियां आज, मतलब सभी कंट्रियां इस पे विरोध कर रही हैं, और मैं भी इसमें दुखी हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा, मैं बाल योगी से बार बार तौबा भी करूंगा अल्लाह से कि ना हुआ ऐसा कोई। ठीक है, आपसे सवाल, आखिरी सवाल आपसे ले लेंगे, थोड़ा भावुक है इससे ज्यादा आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, ये कहेंगे कि क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई आखिर हो जाए? जेल 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 सीधा जेल भेजिए, और लिखित आश्वासन दे भाजपा, भाजपा लिखित आश्वासन दे कि ना ज्ञान वापी उठेगा, ना कोई मंदिर उठेगा, ना कोई मस्जिद उठेगा, जब ये मुद्दा नहीं बचेगा तो मुद्दा बचेगा महंगाई उठेगा, आप भाजपा को ये मुद्दा ही खत्म करना पड़ेगा। हम मांग करते हैं कि भाजपा पार्टी पहले माफीनामा लिख के दे, और भारत सरकार इसको आश्वासन दे कि अब हिंदू मुसलमान कभी इस देश में नहीं होगा, अगर वो आश्वासन देते हैं तो हम अपना विरोध खत्म करेंगे।